हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश के सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, तमाम टॉप डॉक्टर्स एक बात बार बार कह रहे हैं, व्हाट्सएप की फेक जानकारी से बचिए। अगर कोरोना के हल्के भी लक्षण हैं तो सही जानकारी सही सलाह पर जाइए, क्योंकि जितना नुकसान गलत दवाई गलत जानकारी करती है उतना तो वायरस भी नहीं करती। यकीन करिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना से बचने के लिए नाक में नींबू का रस डाल रहे हैं। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। नींबू की दो बूंद नाक में डालने से कोरोना नहीं होता है? क्या अजवाइन, लौंग और कपूर की पोटली बनाकर सूंघने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है? क्या स्टीम थेरेपी से कोरोना भाग जाता है? ऐसे तमाम मैसेज आपके मोबाइल में अलग अलग ग्रुप में आते होंगे। सोशल मीडिया में हर कोई एक्सपर्ट बनकर कोरोना से बचने के नुस्खे बता रहा है। बहुत से लोग इन फॉरवर्डेड मैसेज पर आंख बंद करके यकीन भी करते हैं। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए क्या सही है, कितना सही है, किस पर यकीन करें, किससे दूरी बनाएं, इनकी सही जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना खतरा है। लेकिन ऐसी अफवाहें भी खतरनाक है। ऐसे में क्या सच है क्या झूठ है, ये एक्सपर्ट से समझिए। सोशल मीडिया में एक वीडियो जबरदस्त वायरल है जिसमें नींबू से कोरोना का इलाज समझाया जा रहा है। एक नींबू लेना है, उसको निचोड़ देना है, उसका जो रस है उस रस का तीन बूंद इस नाक में और तीन बूंद इस नाक में, दो से तीन बूंद बस ऊपर करके छोड़ देना है बस। इसके बाद आप देखेंगे बस 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड में वो बिल्कुल राम बाण की ही तरह जा करके आपके पूरे सिस्टम को, नाक कान गला आपका हृदय का सब सारे भाग को एकदम शुद्ध कर देगा 5 सेकंड में। आपका गला जाम है, नाक जाम है, गले में दर्द है ना, या फिर इन्फेक्शन की वजह से बुखार है, सर्दी है, नजला है, जो भी तकलीफें हैं सारे तकलीफ को आपको दूर कर देगा। एक बार इसको प्रयोग करके आप जरूर देख लीजिए। जो जिसने एक बार भी प्रयोग किया है, मैंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को मरते हुए नहीं देखा और वो स्वस्थ हुआ है। इसलिए आप इस प्रयोग को जरूर करिए और इसके अलावा आपको जो करना है करिए। पीआईबी ने इस वीडियो को फर्जी बताया है। फैक्ट चेक में कहा गया है कि नींबू से कोरोना भगाने का दावा गलत है। अब इस दावे पर डॉक्टर्स का क्या कहना है वो भी सुनिए। हाल ही में दावा किया गया है कि दो बूंद नींबू का रस नाक में डालने से कोरोना खत्म हो जाता है या होता नहीं है या ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाता है, तो यह बिल्कुल सरासर 100% गलत है। इनफैक्ट मैं शेयर करना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने खूब सारा नींबू का रस जो है अपनी दोनों नाकों में डाल लिया और प्रोबेबली वो उनके लंग्स में चला गया और उससे प्रॉब्लम। तो कृपया आप ऐसी गलती हरगिज ना करें, आप अपने को सीरियस नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोरोना की वजह से देश में ऑक्सीजन क्राइसिस है। ऐसे में ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग से लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। नेबुलाइजर मशीन से ऑक्सीजन की कमी पूरी हो सकती है, ऐसे ही दावे के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया और मोबाइल में जबरदस्त वायरल है। एवरीवन, मैं डॉक्टर आलोक, मैं ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भाग रहे हैं, कुछ भी देने के लिए, कितना भी अमाउंट देने के लिए रेडी है। ऐसा बिल्कुल मत करिए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा। मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये आजमाइए और देखिए इसे कितना फायदा होगा। ये हमारी नेबुलाइजेशन मशीन है, ये नेबुलाइजर है, इसको हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। इसमें हम नेबुलाइजेशन ड्रिप डालते हैं, ड्यूलिन एंड ब्यूटीकॉट, कुछ डालने की जरूरत नहीं है, कोई भी डालने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे कनेक्ट करिए, इसको यू कनेक्ट करके ऐसे पीछे से ये कनेक्ट कर दीजिए अपने फेस में,
फेस में इसको ऐसे करके यूं लगाना है, ऐसे लगाना है, इसमें कोई भी मेडिसिन डालने की जरूरत नहीं है। कोरोना पैनिक के बीच कई लोग अपना मकसद या अपनी दुकान चलाने के लिए पब्लिक के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये दावा फैक्ट चेक में गलत साबित हुआ। नेबुलाइजर के बारे में कहा जा रहा है कि नेबुलाइजर हमारे वातावरण की ऑक्सीजन को अंदर पहुंचा के हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकता है। तो देखिए, वातावरण में 20% ऑक्सीजन है और वो हम जब सांस ले रहे हैं तो स्वयं अंदर जा रही है, और नेबुलाइजर भी उसी हवा को लेकर के एक चेंबर में प्रेशराइज हवा भेजता है, जिससे प्रेशराइज हवा की वजह से उस चेंबर के अंदर जो लिक्विड होता है वो वेपराइज हो जाता है और बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में बन के एक मिस्ट या भाप के रूप में मास्क में आता है और वो हम उसको इनहेल करते हैं, तो उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। यह भ्रांति है, यह गलत है। क्या कोरोना से बचने के लिए एंटीबायोटिक दवाई कारगर है? जिस तरह से कोरोना का सेकंड विस्फोट हुआ है, उससे कोरोना के टेस्ट से लेकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल पाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में जिनको कोरोना के लक्षण हैं, उनको घर बैठे एंटीबायोटिक खाने की सलाह दी जा रही है, लेकिन ये सलाह कितनी सही है ये एक्सपर्ट से समझते हैं। कोरोना एक वायरस का इन्फेक्शन है और इस वायरस इन्फेक्शन को कोई भी एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है ना तो इसको रोक सकती है इन्फेक्शन होने से, ना होने की सूरत में इसको क्योर कर सकती है। तो कोई भी ये भ्रम कि हम एंटीबायोटिक्स अगर प्रोफाइलेक्टिकली खाएं तो हमें कोरोना नहीं होगा, ये भ्रम गलत है। और कोरोना होने की सूरत में बिना किसी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हुए कोरोना के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। आजकल के प्रिस्क्रिप्शंस में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स यूज की जा रही हैं, लेकिन जब तक कि रोगी को सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं है, जो यूजुअली फर्स्ट वीक में कभी नहीं होता, इन एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। अजवाइन, लौंग और कपूर की पोटली का टोटका भी जबरदस्त वायरल है। घर घर में इनकी पोटली बनाकर सुबह शाम सूंघी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि कपूर, लौंग और अजवाइन के मिश्रण में नीलगिरी का तेल मिलाकर पोटली बनाकर सूंघने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। दावे और सच्चाई एक हो ऐसा जरूरी नहीं है। कपूर, लौंग और अजवाइन का मिश्रण सूंघने से नाक, कान, गले को कोई नुकसान नहीं होता है। इससे गले की जकड़न भी खुलती है, लेकिन इसका कोरोना और कोरोना की वजह से कम हुए ऑक्सीजन लेवल उठाने से कोई संबंध नहीं है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। हजारों लोगों की मौत हो रही है और लाखों लोग ठीक भी हो रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए कम से कम 14 दिन का वक्त लगता है, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे भी लोग हैं जो महज 24 घंटे में कोरोना को मात देने का दावा कर रहे हैं। 2 से 3 घंटे में ऑक्सीजन बेड पर लेटे मरीज को खड़ा करने का वादा किया जा रहा है। लंबे समय से कोरोना से लोग बेहाल है, बुरा हाल है, और लोग परेशान थे कोरोना के वजह से, और मैं लगा हुआ था दवाई बनाने में, औषधि बनाने में। मैं 100% सक्सेसफुल हो चुका हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैला। जो इंसान इस समय ऑक्सीजन लगा रखे, सिर्फ 2 से 3 घंटे का टाइम लेता हूँ, 2 से 3 घंटे के अंदर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो बंदा खड़ा होकर चलने लग जाएगा और 24 घंटे के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। ये 100% गारंटी है। और बाकी बात रहा फीस की, उसको पहले खड़ा करेंगे, रिजल्ट आएगा उसके बाद फीस लेंगे, उससे पहले फीस मैं नहीं लूंगा। जितने फैला सकते इस वीडियो को फैलाओ। ये वायरल वीडियो फेक है। ऐसे वीडियो आपके पास आते हैं या कोई आपसे ऐसा कुछ करिश्मा करने का दावा करता है तो उससे तुरंत उचित दूरी बना लें और पुलिस को इसकी जानकारी दें, क्योंकि कोरोना के बीच गलत इलाज जानलेवा हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से भाप लेने के अलग अलग वीडियो आ रहे हैं। अलग अलग जुगाड़ से भाप लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कोरोना के बीच स्टीम थेरेपी को लेकर अलग अलग थ्योरी दुनिया भर में दी जा रही है। दावा किया जा रहा है नाक और मुंह से भाप लेने से कोरोना वायरस के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर सभी लोग 1 हफ्ते तक स्टीम ले लें तो इस गंभीर महामारी को आसानी से खत्म किया जा सकता है। स्टीम आपको स्वस्थ रख सकती है, लेकिन अगर
आपको इन्फेक्ट वायरल पार्टिकल चले गए हैं, आपने डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन किया, आपने मास्क नहीं लगाया, तो स्टीम इनहेलेशन आपको कोरोना कोविड होने से बचाएगा नहीं, ये बिल्कुल भ्रम है। देखिए ये भी मान्यता है कि अगर हम स्टीम लें तो उससे कोरोना नहीं होगा, या अगर आपको कोरोना है तो वो कोरोना मर जाएगा। तो कोरोना के वायरस के हीट से डेथ के जो टेस्ट हुए हैं उसमें वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको विदस्टैंड कर पाता है, उससे ऊपर जाके वो डिस्ट्रॉय करती है। और इतने हाई टेम्परेचर की स्टीम अगर हमारे सांस के अंदर गई तो वो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को जला देगी। तो यह मानना कि स्टीम लेने से कोरोना नहीं होगा, बिकॉज वो स्टीम कोरोना को मार देगी, या कोरोना होने के बाद स्टीम ले लें तो कोरोना अंदर मर जाएगा, तो ये भ्रांति है। हाँ, कोरोना के पेशेंट्स में हमारी सांस की नली में काफी इन्फ्लेमेशन होता है, ऐसे में कुछ बलगम भी जमा हो सकता है, तो जब आप स्टीम लेते हैं तो वो बलगम सारा का सारा लिक्विफाई हो जाता है, खांसी आती है वो बलगम निकल जाता है, जिससे हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस क्लियर हो जाते हैं और हमारी ब्रीदिंग बेटर हो जाती है, आसान हो जाती है। तो ये फायदा जरूर होता है, इसीलिए हम सबको रिकमेंड करते हैं कि स्टीम ले, लेकिन ये कहना कि स्टीम से कोरोना मर जाएगा ये गलत है। स्टीम थेरेपी जुकाम खांसी के लिए जरूर फायदेमंद है, लेकिन सिर्फ भाप लेने से कोरोना को नहीं हराया जा सकता। कोरोना को हराने के लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है। जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा उतना ज्यादा कोरोना कंट्रोल में रहेगा, लेकिन वैक्सीन को लेकर भी जनता के बीच कंफ्यूजन है। कोई कहता है कोविशील्ड लगवाने से फायदा है, तो कोई दावा करता है कि कोवैक्सीन ज्यादा असरदार है। ऐसे में दोनों वैक्सीन में क्या फर्क है, ये हमको एक्सपर्ट से समझना चाहिए। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इन दोनों में से कौन सी बेटर है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो दोनों ही स्वदेश में बनाई गई वैक्सीन्स हैं, दोनों की एफिकेसी जो फेज 3 ट्रायल्स में रिपोर्ट हुई थी वो करीब करीब बराबर है, एक की 70% है, एक की 80% है, और दोनों ही इस समय देश में इस्तेमाल हो रही हैं। तो एज ए डॉक्टर मैं ए ओवर बी या बी ओवर ए कोई प्रेफरेंस नहीं चूज करूंगा। मुझे भी जब वैक्सीन लगी थी और मैं गया था तो मैंने ये नहीं पूछा कि कौन सी है, जो भी अवेलेबल थी वो मैंने लगवाई। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि दोनों को इफेक्टिव मानते हुए आपको दोनों में से जो भी अवेलेबल हो उसको शीघ्रातिशीघ्र लगवाएं। कोरोना से लड़ना है, हराना है और ठीक होना है तो जागरूक बनना होगा, अफवाह फैलाने वाले वायरल वीडियो से दूर रहना होगा। जैसे ही कोरोना के लक्षण आए तुरंत टेस्ट कराएं और डॉक्टर से संपर्क करें। जितना सावधान आप रहेंगे उतना कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।